ओके, तो एक गुड न्यूज़ है Redmi Note 7 Pro के यूजर्स के लिए। उसमें नया अपडेट आ गया है 10.2.6 का। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप इंस्टॉल कर सकते हो इंस्टॉल। हालांकि कुछ नए फीचर्स अभी तक मुझे पता नहीं चले हैं। आज मेरा Redmi Note 7 पटना में डिलीवर होने वाला है, तो मैं जा रहा हूँ रिसीव करने के लिए। और ये बस एक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी कि अपडेट आ गया, आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दी है, तो आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे अगर अपडेट की मैं बात करूँ तो अपडेट के चेंज लॉग में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस और इम्प्रूव्ड सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। वही पुरानी रेडमी की कहानी। मैं यहाँ पे दिखा दूंगा आपको स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट चेंज लॉक का, तो आप देख सकते हैं। बट कर लेना, हो सकता है कि इसमें आपको मार्च का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाए, बट कोई गारंटी नहीं है। तो मैं अभी फ़िलहाल अपडेट नहीं करूँगा, मैं पहले उसकी जो है कैमरा टेस्टिंग कर लूँगा, उसके बाद मैं अपडेट करूँगा ताकि मैं बता सकूँ कि कैमरा में कुछ चेंजेस हुआ है कि नहीं। वैसे जो लोग इंस्टॉल कर चुके हैं वो लोग रिव्यू ये कर रहे हैं मुझे कि अपडेट में कैमरा में कुछ खास अपडेट नहीं हुआ है, जैसा पहले था वैसा ही है। तो अगर आपने भी अपडेट कर लिया है तो आप भी मुझे बताइए कि क्या अपडेट करने के बाद आपके फ़ोन में कुछ चेंजेस आए हैं या नहीं। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में शूट कर रहा हूँ और हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो मुझे पता है कि बहुत सारी बैकग्राउंड नॉइज़ आएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा अगली वीडियो, अरे क्या बोल रहा हूँ, मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस घंटी को दबाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर लेटेस्ट हमेशा वीडियोज़ मिलती रहेगी, चाहे हालात कुछ भी रहे।